सो हेलो गाइस, आ चुके हैं हमारे पहले व्लॉग के साथ जो कि हमारे चैनल पे कुछ ही दिनों में आने वाला है। आई थिंक क्या पता कल तक आ जाए, ये कुछ पता नहीं, बट आ चुके हैं हमारे पहले व्लॉग के साथ। और इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें होने वाली है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते थे कि यार भाई गेम एक्स प्रो का होम रिलीज देखना है, होम जो उनका होम है विलेज होम, वो देखना है हमको। तो मैंने बोला चलो यार आज अगर मैं गाँव जा ही रहा हूँ वो भी पैदल, तो क्यों ना थोड़ा सा दिखाया जाए आपको अपने गांव का पैदल रास्ता और गेम एक्सप्रो का घर, और हाँ साथ साथ मैं अपना घर भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी तो मेरा भाई जा चुका है, मतलब बहुत दूर। मैं बैक कैमरा तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पता है एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसा सीन होता है कि अगर तुम फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहे हो तो तुम उसको बैक कैमरा नहीं कर सकते, तो इसलिए बीच बीच में मेरे को वीडियोज़ को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। देखते हैं अभी क्या सीन शॉट होने वाला। फिलहाल अभी ये वाला नज़ारा देखो आप, जिस जगह पे मैं अभी चल रहा हूँ वाला सीन आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड वेट करो। तो अभी मैं हूँ इस साइड और ये रास्ता हमारे गांव जाने का। तो फिलहाल अभी मेरा भाई तो मतलब चले गए यहाँ से नीचे, मैं बोल रहा था कि चल मेरी ब्लॉग में मदद कर, तो उसने बोला भाई मैं तो जा रहा हूँ ऊपर गाँव में, तू आ जा आराम से, क्योंकि धूप अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखते हैं अभी भाई पसीने तो बहुत छूट रहे हैं लिटरली, सच बताऊं तो। अभी यहाँ से जाना पड़ेगा हमें, और हमारा गांव है आई थिंक इस पहाड़ के पीछे, तो लगभग अभी हमें 3 या 4 किलोमीटर समथिंग बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा। तो अभी बने रहिए ब्लॉग के साथ और मिलते हैं आपको बस थोड़ा सा आगे जाके। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नदी के पास, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शोर सुनने को मिल रहा होगा पीछे नदियों का, क्योंकि भाई अब नदी के पास आए तो आपको यार नदी की आवाज़ आएगी। तो अभी जब मैं आगे जा रहा था तो सोचा आपको एक और चीज़ दिखाऊं अपने गांव की, मतलब जो पुराने ज़माने में वो कहते ना कि जब, अभी तो आजकल चक्कियां होती है, तो पुराने ज़माने में होते थे घराट, तो पता नहीं अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें बोलते, तो हमारे यहाँ तो घराट और घट गढ़वाली में बोला जाता है। तो जब मैं जा ही रहा था तो मैंने बोला कि थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज करके आप लोगों को वो घट ज़रूर दिखाऊँ, और अभी फ़िलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ, वो बिल्कुल पास में ही है। तो आप लोग आज देखोगे गढ़वाली घट। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल घट के सामने, ये रहा जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये लगभग बहुत काफ़ी साल पुराना है, लगभग इसको 40 या 60 साल से ऊपर तो हो ही गए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और ये पानी की आवाज़ भी बहुत तेज़ आ रहा होगा मुझे पता है, इसको मैं एडिट करके देखता हूँ अभी कि ये सही हो पाए ना हो पाए। फिलहाल मैं आपको इस घट के अंदर दिखा दूँ, वही फिलहाल इस घाट के अंदर अभी कोई नहीं है। और ये जो चीज़ है, ये दो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि नदियों के किनारे जो पत्थर होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। ये पत्थर जब राउंड राउंड, वो कहते हैं ना जेल की चक्की की तरह चलते हैं लेकिन पानी से, और ये जो है इसमें लोग अपना दाना पानी डालते हैं, मतलब गेहूँ वगैरह, तो गेहूँ यहाँ से हल्का हल्का नीचे जाता है और इसके थ्रू आता है इसमें, और पिसने के बाद आटा यहाँ गिर जाता है इस साइड, फिर लोग इस झाड़ू से, ये जो झाड़ू है इस झाड़ू से इसमें निकालते हैं आटे को, और फिर उसके बाद अपने घर ले जाते हैं और यहाँ पे कुछ आटा छोड़ देते हैं जिसने ये बनाया है उसके लिए। सो फाइनली आप लोगों को घराट दिखाने के बाद मैं अभी बढ़ चुका हूँ आगे अपने हुई गांव वाले रोड के सफ़र पे, और आई होप आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा घराट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुराना। और हाँ एक बात ये भी है कि अभी तक हमारे गांव के लोग और बाकी जो अगल बगल में गांव हैं, जैसे कि एक गांव उस साइड है और एक गांव बिल्कुल इस साइड है, अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, तो ये वाले गांव के लोग अभी भी यहाँ पे आटा पिसवाने आते हैं। तो इस घराट की एक ख़ास बात ये होती है कि सबसे पहले तो ये पानी से चलता है, तो वो कहते हैं ना जल चक्की, एक होती पवन चक्की एक होती जल चक्की, तो ये वही है। तो और दूसरी बात यह है कि ये फ्री में हो जाता है, लोग फ्री में अपना आटा पे गेहूँ वेहूँ पिसवा लेते हैं, और बदले में क्या देना पड़ता है, बस थोड़ा सा आटा और कुछ नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ इस चढ़ाई पे, जो ये देख रहे होंगे आप ये वाली ऊंची चढ़ाई, ये अभी मुझे चढ़नी है बिल्कुल ही एकदम खड़ी चढ़ाई, और अभी मुझे लगभग 3 या 2.5 किलोमीटर और जाना है गाँव के लिए पैदल, नहीं मेरी आफत आने वाली है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना ऊँचा है। जैसे कि मैंने कहा था मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, एग्जैक्ट मैं यहाँ पे सभी ब्लॉग बना रहा था, एंड अभी मुझे जाना है उतने ऊपर, मैंने आप लोगों को स्लोमो करके थोड़ा सा दिखा दिया, मुझे अभी इतना ऊपर जाना है, अभी देखते भाई आफत आने वाले लिटरली।
इसके बाद आएगा हमारा गौशाला जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, और ये वीडियो थोड़ा बाद में बनाता हूँ। फिलहाल मैं ऊपर चढ़ लूँ क्योंकि मेरे पे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वीडियो बनाते ऊपर जा सकूँ। तो बस जैसे मैं गौशाला में पहुँचूँगा वहाँ का सीन आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो फाइनली अभी अपन लोग पहुँच चुके हैं, ये हमारा गौशाला है ऊपर पे, और मैं काफ़ी नीचे से आया था समथिंग लगभग वहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले गौशाला में, और मेरी मम्मी मेरा भाई जो मेरे से आगे निकल गया था वो अभी आपको यहीं पे मिलेंगे। आई थिंक मेरे पापा भी यहीं पे होंगे। तो फिलहाल अभी बहुत तेज़ धूप लग रही है और मैंने टोपी वोपी पहनी हुई है, बट मैं टोपी नहीं निकाल सकता, छोड़ो निकाल देता हूँ। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई हमारी गौशाला कैसी है। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं, अभी देखो कैसे होता है। तो ये रहा कुछ 300 ऐसे। मम्मी कहाँ दीदी? तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग अपने गांव में, मतलब बस पहुंच गए, रोड थोड़ा सा ही ऊपर पे है। और ये रहा हमारा गांव, ये मेरा भाई जा रहा आगे से, और इधर पीछे के साइड हमारा गांव है, अभी आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। तो हम लोग अभी फ़िलहाल मार्केट के रास्ते तो नहीं जा रहे, जो हमारे गांव के 2-4 दुकानें हैं उस रास्ते तो अभी हम फ़िलहाल जाएंगे नहीं गाँव, अपने घर के तरफ, क्योंकि वो थोड़ा दूर पड़ जाएगा। तो हम लोग शॉर्टकट अपने गौशाला के रास्ते से जाएंगे, जो हमारे ऊपर गाँव की गौशाला है उस रास्ते हम अपने घर पर जाएंगे। तो अभी मैं आपको गांव दिखा देता हूँ कि नीचे खेतों से हमारा गांव कैसा लगता है। तो फिलहाल ये रहा अभी हमारा गांव, और हम लोग आए हुए थे यहाँ बिल्कुल नीचे से, इधर जो बिल्कुल ये नीचे दिखा रहा, हम लोग यहाँ से आए थे। तो फिलहाल ये हमारे बगल का गांव है, और ये रहा हमारा गांव, ये हमारे गाँव का मार्केट है जस्ट नीचे बगल पर। लेकिन हमको अभी जाना है वहाँ ऊपर उस साइड के लिए, देखते हैं अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से और फिर दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा हमारे घर का। गाइज सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने गांव में। तो अभी हम लोग अभी आप देखोगे तो वहाँ बिल्कुल नीचे थे और अभी हम ऊपर आ चुके हैं। तो ये मेरे गांव से कुछ नज़ारा है। और वो जा रहा है मेरा भाई, और ये यहाँ नीचे इसके बाद हमारे गांव के सारे घर हैं। और ये मैंने गांव आपको अभी वहाँ नीचे से दिखाया था उधर से, और ये वहाँ से नज़ारा बिल्कुल हमारा गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो बस अभी थोड़ा सा दूर है बिल्कुल हमारा घर। नमस्ते दादी, हैं मैं है नाना बलू लौड़, हाँ हाँ जठ जटू जठ लौड़, हम चार बहन तीन भाई हैं। अच्छा हाँ हम थल सड़े ना, अच्छा तो हम गौर में वाला मकान तहसील रोड में, हाँ तेल अभी जो चुमी, और सब बढ़िया ना, तबीयत तुबियत सब ठीक ठाक? क्या गुना पीड़ है, अब दान भी तो है क्या, तुम दान भी तो ही गया? अच्छा दवे दे दवे इतने कुट रहे, अब खाण तो छे कुछ नहीं होना दवे। अच्छा चला ठीक छे दादी, हाँ मैंने बोला चला ठीक छे दादी। सोनीपत चुरगिल दगड़ ना भी मिल दी दगड़ फिलानी रेन बाद में, ओ फिलहाल वो दादी से बात बात करने के बाद गढ़वाली में, आप लोगों को कुछ वैसे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जो गढ़वाली लोग होंगे उन्हीं को ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, और फिलहाल मैं अभी रास्ते में लगा हुआ हूं, दादी यहां इधर यहां इस साइड पीछे पे है। तो बस अभी थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपना घर। और फिलहाल अभी इधर बहुत ज़्यादा हवा चलने वाली है क्योंकि अभी हम अपने गांव के सबसे टॉप पे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। ये रहा अभी मेरा भाई, और हमारे गांव का जो सबसे मेन मंदिर है, जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, वो बिल्कुल उस चोटी में है जो आपको सबसे ऊपर वहाँ चोटी दिखाई दे रही है। तो अभी हम सबसे हाई जगह पर तो हैं अपने गाँव के, यहाँ से अब हमको नीचे के लिए जाना है, उस साइड है हमारा घर। तो फिलहाल कभी आपको जब मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगा तो आपको अपने गाँव का मतलब सबसे ज़्यादा फेमस वाला मंदिर जरूर दिखाऊंगा।
तो अभी फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, और अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि भाई मेरे घर पे क्या क्या चल रहा है। और ये रहा इधर ऐसे सीन शॉट, ये मैं अभी जस्ट पहुंचा हुआ हूं, और भाई वही बहुत खतरनाक सीन। तो अभी ये जो रास्ता, ये मेरे घर जाने वाला रास्ता, ये ऊपर सभी दादी लोग बैठे हुए हैं, और अभी यहाँ से ये मेरे गाँव का सीन है, कुछ ऐसा दिखता है। और ये हमारे गांव का मतलब मंदिर है, जो मैंने अभी आपको व्लॉग में बताया था कि ऊपर जो सबसे फेमस मंदिर है उसी का छोटा रूप बनाया गया इधर। और ये रहा फाइनली मेरा घर, मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, ये हमारी छोटी सी दुकान है, और ये रहा हमारा घर, ये हमारा किचन है, और यहाँ पे हम लोग रहते हैं। और अभी ऊपर का सीन है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ ऊपर वाला सीन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और आज गांव का दूसरा दिन है, और अभी मैं दुकान के लिए सामान लेने जा रहा हूँ, सौप्रस चीनी वगैरह थोड़ा कुछ ऐसी। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ से जा रहा था, तो अभी आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ बोलते हो। अभी मैं रवि भैया का घर दिखाने वाला हूँ, बस मैं जस्ट पहुँचने ही वाला हूँ वहाँ पर। तो अभी ये लंबी सी सीढ़ी चलने के बाद थोड़ा सा आगे, तो फिलहाल अभी मैं हूँ गाँव के मार्केट में, और ये मेरा गाँव से मार्केट का कुछ नज़ारा है। ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, वो भी गाड़ी धुल रहा है। और अगर आप लोगों को रवि भैया का घर दिख रहा है, तो ये रहा रवि भैया का घर बिल्कुल मार्केट के जस्ट बगल में। अभी मैं सामान लेके अभी ऊपर जाने वाला हूँ, तो आपको दिखा दूँगा रवि भैया का पूरा घर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी तो मैं मार्केट में सामान ले रहा हूँ, और जैसे मैं सामान लेता हूँ बढ़ते हैं आगे व्लॉग में। सो अभी फाइनली हम आ चुके हैं सामान लेके, और अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं ये वाला मेरे घर का रास्ता है। और तुमको अगर रवि भैया का घर दिखाना था, तो ये रहा रवि भैया का घर। अभी मैं फ़िलहाल अंदर तो नहीं जा सकता, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो ही गया है, 11:30 समथिंग अभी टाइम है। और को अभी यहाँ से दिखाता तुमको। तो ये रहा रवि भैया का घर, और तो फिलहाल अभी रवि भैया का घर दिखा दिया, कभी फुर्सत से आपको पूरा सा दिखाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ सामान रखने, ये मेरा भाई सामान ले जा रहा है। तो भाई सांस फूल रहे हैं, सच्ची बताऊं। मिलते हैं अभी जैसे घर पहुंचूंगा सामान लेके आपको थोड़ी देर में। तो अभी बज रहे शाम के 6:30, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा देखने को मिल रहा है, और इधर शोर शराब भी बहुत इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जंगलों से अब घास लेके वापस आ रहे हैं, और बच्चे काफ़ी पीछे इधर यहाँ नीचे मंदिर को सामने खेल रहे हैं, तो उन्हीं का शोर शराब है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये अंधेरा इसलिए है क्योंकि हम लोग सन के बिल्कुल आउटसाइड रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे जल्दी से रात हो जाती है। तो फिलहाल बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना कि नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ पर बनाया जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय।